पाकिस्तानी पीएम इमरान खान की डूबी नैया। अब भारत विरोधी एजेंडा नहीं बचा पाएगा नियाजी खान को। पाकिस्तान में महंगाई को खुला छोड़ना पड़ा इमरान को भारी। अब आर्मी चीफ ने भी छोड़ा नियाजी खान का साथ। नियाजी के नया पाकिस्तान का सपना हो सकता है चकनाचूर। कई दिनों से संकेत मिल रहे थे कि नियाजी सरकार के दिन अब गिने चुने ही बचे हैं। शायद जनरल कमर जावेद बाजवा को पाकिस्तानी पीएम इमरान खान कमतर आंकने की भूल कर बैठे। पाकिस्तान में ये कहावत बड़ी मशहूर है कि जब तक ही आप सरकार में बने रह सकते हैं, जब तक आर्मी चीफ की मोहब्बत आपसे है। भले ही कहने को पाकिस्तान एक लोकतांत्रिक देश हो, लेकिन इतिहास इस बात का गवाह है कि पाकिस्तान में सबसे ज्यादा आर्मी ने ही रूल किया है। और एक बार फिर पाकिस्तान उसी ओर अपने कदम बढ़ा रहा है, क्योंकि पाकिस्तान का सबसे शक्तिशाली शख्स भी शायद अब यही चाहता है। वैसे तो जनरल कमर बाजवा चाहते तो आसानी से इमरान सरकार को बर्खास्त करके खुद सत्ता पर काबिज हो सकते थे, लेकिन जानकार ये बताते हैं कि बाजवा का काम करने का अंदाज कुछ अलग है। यही कारण है कि बाजवा लोकतांत्रिक तरीके से सरकार को गिराना चाहते हैं। ये बात किसी से छिपी नहीं है कि पाकिस्तान में इमरान के लिए सरकार चलाना काफी मुश्किलों भरा रहा है, या आप कहें कि उनके लिए ये ताज अब कांटों भरा रहा है। ये बात अलग है कि जब जब नियाजी खान के सितारे गर्दिश में रहे, तब तब बाजवा ने उनकी डूबती नैया को पार लगाने का काम किया। पाकिस्तान की संसद में पाकिस्तानी हुक्मरान इमरान खान के खिलाफ विपक्ष ने अविश्वास प्रस्ताव पेश कर दिया है। संसद में मौजूद 161 सांसदों ने इमरान सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव का समर्थन किया, जिसके बाद स्पीकर ने प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। दो दिन की मोहलत भी मिल गई है। अब 31 मार्च को इमरान सरकार की अग्नि परीक्षा है। अब देखना ये बाकी है कि इस अग्नि परीक्षा में इमरान पास हो पाते हैं या फिर नहीं। लेकिन इस बीच सभी की निगाहें इमरान की तीसरी बीवी बुशरा पर टिकी हुई है। ऐसा इसलिए कि विपक्ष के नेता ने बुशरा पर काला जादू करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि खुद को पीर बताने वाली बुशरा बीवी इमरान खान के घर बनी गाला में मुर्गे जलाकर जिन्नों को खुश कर रही है। इमरान खान की पार्टी में गॉड मदर का दर्जा रखने वाली बुशरा बीवी उर्फ पिंकी पीर पर विपक्ष ने 3 अरब रुपए का घूस लेने का आरोप भी लगाया है। वहीं पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने अपनी कुर्सी को बचाने के लिए पूरी ताकत झोंक दी है। इमरान खान लगातार रैलियां करके विपक्ष और सेना पर दबाव बना रहे हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि वो अपनी सरकार को बचा पाते हैं या फिर नहीं। खबर इंडिया के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।